Assalamu alaikum students, hope you are all doing well. We have almost completed the three exercises of your chapter trigonometry, and now we are at the fourth chapter. It includes the most important thing in this chapter, and it is the ultimate thing of this chapter, which are known as identities. There are three identities which you have to remember in order to do this exercise. First is sine square theta plus cos square theta equal to 1. Second is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. And the last is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. These are the three identities which you have to remember. A real question arises in our mind: what are identities? Actually, यहाँ क्या होता है कि students को बोलते हैं identity हैं तो याद रखता है. तो एक चीज आपको हमेशा ये याद रखना है. एक होती है आइडेंटिटी और दूसरी होती है इक्वेशन. एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एक इक्वेशन एक्स प्लस फोर इक्वल टू सिक्स. ये याद रखना है देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी. अगर हम ये इक्वेशन ये लेंगे हम करेंगे पुट x इक्वल टू 2 तो एट x इक्वल टू 2 इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दूंगा पुट x इक्वल टू 3. एट 3 डज नॉट सेटिस्फाई. इट मींस एन इक्वेशन ये इसमें क्या होता है, इट इज ओनली ट्रू फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ एक्स. ये सारे वैल्यूज ऑफ एक्स पे ट्रू नहीं होती है. वेयर एज द आइडेंटिटी इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. ये आपको यहां याद रखना है कि वेरिएबल और आइडेंटिटी में सॉरी इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है. इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, वेयर एज द आइडेंटिटी इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. You have to remember it in order to get stuck. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है. ये सर जो हमने आइडेंटिटीज आज की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये किस तरह है इक्वल टू 1. इन सब का प्रूफ है एंड दीज आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लूंगा एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, ये राइट एंगल्ड है एट बी, ठीक, और मैं रखूंगा यहां पर एंगल थीटा. अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूंगा आपको साइन थीटा निकालो, किसके बराबर है, सम पीपल हो गए एबी बाय एसी. इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कॉस थीटा निकालो, cos थीटा तो ये बन गई इसकी इस कर्ली ब्लैक हेयर. मैंने आपको समझाया है. और यहां हमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ए सी स्क्वायर के बराबर. अब हम इसका एलएचएस लेंगे और हमें आरएचएस निकलना चाहिए. जरा आप लो एलएचएस क्या है. एलएचएस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. इस साइन के बदले हम क्या यहां ये देंगे ए बी बाय ए सी, प्लस कॉस के बदले बी सी बाय ए सी. अब हम देंगे अलग स्क्वायर, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर. अगर ए सी स्क्वायर कॉमन हम ये लेंगे
because this is the real life. ab square plus b square by Pythagoras, a x square के बराबर है, तो ac square by a square equal to 1. तो यहाँ हमने एक चीज आज ये समझा कि जो ये आइडेंटिटी है, these are true for all values of x, और ये पहली आइडेंटिटी का मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया. इसी तरह जो दूसरी भी है उसका भी है ऐसे ही, और जो तीसरी आपको आइडेंटिटी है उसका भी प्रूफ ऐसे ही है. एक चीज आपको यहाँ इम्पोर्टेंटली ये रखना है याद, जो स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन कि इन्फिनिटी होता क्या है. इंशाल्लाह जब आज का ये लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं 5 मिनट में आपको पूरा समझाऊंगा ये इन्फिनिटी होता क्या है. तो अब हम ये जा सकते हैं एक्सरसाइज के लिए. Now students, we are at the exercise 8.4. I have already written the question. Express trigonometric ratio sin a secant tan a in terms of cot a. हमें इनको, एक हमारे पास है sin और है sec और क्या है और है ये tan. इसको किस में चेंज करना है? Cot. इस exercise में आपको एक चीज का सबसे ज्यादा concentration की जरूरत है, वो है ये. आपको ये याद रखना है कि ये साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1 बाय कोसेक. मतलब साइन के बदले हम 1 बाय कोसेक भी लिख सकते, ऐसे ही कोसेक के बदले 1 बाय साइन, ऐसे ही कॉस के बदले हम 1 बाय सेक लिख सकते हैं, और सेक ऐसे ही एम के बदले हम 1 बाय कॉट लिख सकते हैं, या कॉट के बदले 1 बाय टैन. और एक तो इन तीन चीजों का, और जो मैंने आपको आइडेंटिटीज दिखाई अभी, उनका आपको ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन रखनी है. सबसे पहले हमारे पास है, ये साइन है, ये सेक है और टैन. इन सबको एक एक करके कॉट में चेंज करना है. फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले ये सिंपल ये लेंगे टैन ए, इसको लिखेंगे 1 बाय कॉट ए, हो गया ये चेंज, हो गया ये कंप्लीट. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये साइन, अब साइन को कॉट में चेंज करना है. अगर हम अपना ये दिमाग यूज करेंगे, साइन ज्यादा से ज्यादा कोसेक में चेंज हो, तो साइन को हम कॉट में किस तरह करेंगे ये चेंज, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको अभी आइडेंटिटी बोली कि कोसेक हम लिखेंगे, वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो कोसेक इसका उल्टा होता है ये साइन का, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको भी ये रेसिप्रोकल करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करेंगे, यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. यहां इसने थीटा के बदले ए यूज किया है, तो हम ए ही यूज करेंगे. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद जब साइन ए को यहां जब स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं, तो ये तो एक रूट आता है और प्लस माइनस आता है, लेकिन हम दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को ये सम करेंगे तो खाली पॉजिटिव आएगा. ये साइन किस में चेंज हुआ? ये कॉट में. उसके बाद आखिरी वाला है ये सेक. इसके लिए भी हमने अभी फॉर्मूला की थी, वी नो दैट हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर ए. तो sec square a is equal to 1 plus, इस tan के बदले हम 1 by cot भी लिख सकते हैं. तो इसको यहाँ ये सीजर मेथड करेंगे, divide by cot square. उसके बाद यहाँ से हम ये square यहाँ shift करेंगे, तो ये बनेगा cot square a plus 1, और नीचे काटेगा ये बनेगा cot. Now here we have done all the trigonometric ratios. अब ऑलमोस्ट हमने हर कोई किया. अगर ये साइन को किया तो कॉसेक भी हो सकता है, अगर हमने ये सेक को किया तो कॉस भी हो सकता है.
इसका क्वेश्चन नंबर टू भी ऐसा ही, और ऑलवेज जो पहले दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, इन दो में से आपको हमेशा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए। और जो इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर ये 3 है या 4 है या 5 है, वो मल्टीपल चॉइस है, उसको आप करोगे ट्राई। और इंशाल्लाह कल से हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आई थिंक ऑफ दिस होल चैप्टर। और उसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इट विल टेक अपलोड डेज, इंशाल्लाह एक दो दिन में कंप्लीट होगा। चलो बेस्ट ऑफ लक।